나도 그걸 느낀 게 있는데. 야, 자기야, 이제 그 눈에 있는 위기. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, आज आपके लिए और एक नया मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूं। तो गाइस, मेरे इस चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो नेक्स्ट नया वीडियो जो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहे। और कॉमेंट्स और शेयर तो बनता है गाइस, आपको ये तो पता होगा। तो गाइस, आज मेहंदी रात है, तो अभी सारे जितने भी यहाँ हमारे ये यखनी के लिए यहाँ दही लगाया गया है, तो अभी तैयार हो रहा है। ये देख सकते हैं हमारे कुक। ये कौन सा मीट है? बकरी का मटन है, तीनों में तैयार कब हो रहा है? ये देख सकते हैं, अभी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें क्या है। तो तीनों पतीले में मीट है, तो अभी ये तैयार होने जा रहा है। तो चढ़ा के कितना टाइम हो गया अभी इसको? एक घंटा हो गया। और कितना टाइम लगेगा अभी? तो देख सकते हैं आप, एक घंटा हो गया इसको चढ़ा के। अभी बस 15 मिनट में ये तैयार होने जा रहा है। तो इसमें क्या चढ़ा है? वो कुरमा है। तो ये इसको कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? हाँ, एक घंटा। अभी कितना टाइम हो गया? देख सकते हैं ये कुरमा है, 5-10 मिनट हुए हैं अभी चढ़ा के, तो अभी और एक घंटा लगेगा। तो यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे यहाँ के मेहमान लोगों को। ये देख सकते हैं अभी प्याज काट रहे हैं, ऊपर से चाय भी पी रहे हैं, बड़े मज़े ले रहे हैं। ये 5% काम और 10% खाना खा रहे हैं। ये हमारे चाचा, ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या चढ़ा है? प्रेशर में क्या चढ़ा है वो? तो पूरा प्रेशर भर के। हाँ, तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा अभी? 10 मिनट। 10 मिनट खाली? तो ये प्याज किस चीज़ के लिए बना है? प्याज का साथ जो टेस्ट बनाएगा, तो टेस्ट को बनाते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करना है इसको? करी के लिए। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ यखनी भी तैयार हो चुकी है अभी, तो और खाली 10 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। तो इसके बाद हम आए हैं खान। तो ये यखनी होगी, तो अभी बस 10 मिनट में पूरी तैयार होने जा रही है। तो इसके बाद हम दूल्हे को जो तैयारी करने हैं वो करने जा रहे हैं 10-15 मिनट के बाद। तो आगे का वीडियो मैं 10-15 मिनट के बाद नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तब तक लाइन पे बने रहें। ये देख सकते हैं, ये हमारे खादिम साहब। कभी गचासा नुश को गची म
तेरी मसनद में गैरों को बिठला दिया नाइबे मुस्तफा मजहर की बिरिया तू अलीओ वसी ही रहा मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई जब खुदा को पुकारा अली आ गए जब अली आ गए जिंदगी आ गई हजल मलबूस को मत कफन नाम दो मैं चला हूँ अली से मुलाकात को जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई मैं चला हूँ अली से मुलाकात आ गए जब अली आ गए जिंदगी आ गई जिसका मौला था मैं उसका मौला अली जब नबी पता नहीं मिलेगा सबसे शाह हसन सबसे कबा Venga, vaya, vaya.
ये देख सकते हैं खाने के लिए काफी मरने वाले लोग भी हैं यहाँ। Şükrü müziği, ama ne bileyim, ne bileyim.
Don't hurt me!
ستریٹ ایسا ریسو جو نہ ہے ڈریس ریسو گناہ بن رہا ہے ڈریس ریسو وہ نہیں ہے ہاتھ کو پیکنگ